من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنهم لا يفسدون सलाम अलैकुम। हजरात, जैसे कि आप वाकिफ हैं, आज हमारे एलानिया नंबर 474 का दूसरा चौथा आइटम बतारीख 18 अप्रैल 2013 ईस्वी 26 जमादिल अव्वल 1434 हिजरी बाद नमाज असर पीर के दिन बनवान शरीयत में अदल का इस्लामी तसव्वुर मुनक़िद हो रहा है। यह शरीयत इंफॉर्मेशन सर्विस का 486वां लेक्चर है और इसे आपके जाने पहचाने मुखर्रिर हाफिज़ सरफराज अहमद कासमी साहब मुखातिब कर रहे हैं, जो इससे पहले भी आपसे मुतारिफ हो चुके हैं। हजरात, इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा आपसे अर्ज़ किया था कि एक बहुत ही बड़े राइटर जिनका बैनुल अक़वामी तौर पर मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है, जिन्हें मुंशी प्रेमचंद के नाम से हम याद करते हैं, उन्होंने तीन मज़ाहिब की खसूसियात बयान की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब जो ईसाई मज़हब है, वो उसकी बुनियाद रहम है, मर्सी कहते हैं, और मर्सी तो रहम है। अब वो ज़ाहिर है कि उतने वाक़ उस बात में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है, मर्सी कहते हैं वो, यानी रहम। और इस्लाम के बारे में कहते हैं अदल, इंसाफ की बुनियाद अदल पे है कहते हैं, इस्लाम की बुनियाद अदल पे है, यानी बुनियादी खसूसियत है। और फिर तीसरे हिंदुइज्म के बारे में कहते हैं भाईचारे की, जिसे आप हिंदी में या उर्दू में कुछ और कह लीजिए इंग्लिश में, लेकिन वो भाईचारगी के नाम से उसको बुनियाद बताते हैं। हाफिज सरफराज अहमद कासमी साहब ने जो उन्वान हमें दिया है, उसकी इस तरह से ही अहमियत होती है कि शरीयत में अदल का इस्लामी तसव्वुर क्या है। दिलचस्प उन्वान है और आपको पता है कि वो इससे पहले के खिताब में उन्होंने काफ़ी हमें मुतासिर किया था अपने खिताब से, और आज भी हम तवक्को करते हैं कि वो अपने मज़मून के साथ, उन्वान के साथ इंसाफ करेंगे। आज की इस नशिस्त का आगाज़ हाफिज़ इरफान अहमद साहब की खिरात कलाम पाक से हुआ और खादिम महफिल ग़ुलाम यज़दानी आपसे मुखातिब है। आपको याद दिला दूं कि 10 अप्रैल को रूह रज़ी आदम का इस्तकबाल करती है कि उन्वान से इकबालियात के स्कॉलर जनाब मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नय्यर साहब हमें मुखातिब कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون میرے دینی بھائیوں, اہل علم اور دانشوران قوم, جو عنوان آپ کے سامنے ہے یہ بہت وسیع معانی کا حامل ہے. وقت جو میسر ہے اس پر جہاں تک ممکن ہو سکے شریعت میں عدل کا کیا تصور ہے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے, رب کریم فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, تم لوگ اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ مقام انصاف میں گواہ بن جاؤ, اور کسی قوم کی مخالفت, دشمنی, عداوت تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادہ اعتدال سے ہٹ جاؤ. لوگوں, عدل قائم کرو. یہ عدل کا قائم کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے, پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو, اس لیے کہ اللہ تو تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے. کون سی سورت ہے؟ یہ چھٹے پارے کے سورہ مائدہ کی سورت. عدل یہ عربی زبان کا لفظ ہے, اور اس کے معنی میں دو پہلو ہیں. عدل کا ایک معنی ہوتا ہے کہ حقدار کو حق مل جائے, اور ایک معنی ہوتا ہے کہ کسی کو حق سے محروم کر دیا جائے. یہ دونوں معنی ہیں. لفظ کے استعمال کا فرق ہے کہ اس لفظ کو کس تناظر میں, کن الفاظ کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا ہے. عام حالات میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ عدل کے معنی آتے ہیں انصاف کرنے کے. انسان فطری طور پر کسی بھی معاملے میں, خواہ وہ قول ہو, فعل ہو یا معاملات ہو, انسان حق کی راہ کو کیوں چھوڑتا ہے؟ اہل علم نے اس کے تین اسباب شمار کرائے ہیں. انسان کوئی بھی ہو, وہ حق کی راہ چھوڑتا ہے یا تو اس بنیاد پر کہ اس کا نفس مفادات حاصلہ
वक्ती नफा, उसको ये बात समझाती है कि अदल की राह इख्तियार करने के नतीजे में उसे माली नुकसान होगा, उसको ओहदे का नुकसान होगा, उसको जाह मरतबे का नुकसान होगा, कोई भी नुकसान होगा। नफ्स ये बात उसे समझाता है, गोया नफ्स परस्ती जब आती है इंसान में तो इंसान ज़्यादा एतदाल से गुजर जाता है। अदल की राह, हक की राह, इंसाफ की राह वो छोड़ देता है। एक सबब अहले इल्म ने ये बयान किया है। दूसरा सबब यह है कि इंसान हक की राह को इसलिए छोड़ देता है कि वो अपने किसी अजीज, अपने किसी कराबदार की बेजा तरफदारी करता है। कराबदारों, रिश्तेदारों, मुताल्लिकी के हुकूक की हिफाजत के लिए हिमायत करना ये एक महबूब अमल है, एक मुस्तहसन कदम है। लेकिन कराबदार, रिश्तेदार, अजीज और दूसरे मुताल्लिकीन की तरफदारी बेजा करना, ये बात जानते हुए कि यह गलत है, ये बात जानते हुए कि हमारा अजीज जिस नुक्ते नजर का हामिल है, जिस बात का वो दावा करता है वो गलत है, इसके बावजूद उसकी तरफदारी करना, उसकी हिमायत में खड़ा होना, उसकी हिमायत में आवाज बुलंद करना, ये इंसान को हक की राह से हटा देता है, इंसाफ की राह से हटा देता है, अदल को वो छोड़ देता है। तीसरा सबब जो आम तौर पर हम इंसानों के अंदर है कि हम अदल को, हक को, इंसाफ को छोड़ देते हैं इस बुनियाद पर कि हमारा नफ्स नहीं कहता, हमारे किसी कराबदार अजीज की तरफदारी भी हमें नहीं करनी है, कोई माली मनफात या जाह का कोई फायदा भी हासिल नहीं करना है। हक और अदल को हम सिर्फ इसलिए छोड़ते हैं कि जो सामने वाला है वो हमारा दुश्मन है। तो तीन असबाब हो गए, इंसान अदल को छोड़ता है कभी नफ्स की बुनियाद पर, इंसान अदल को छोड़ता है अजीजों कराबदारों की बेजा तरफदारी की बुनियाद पर, इंसान अदल को छोड़ता है किसी इंसान से दुश्मनी की बुनियाद पर। ये तीन असबाब हैं, कुरान ने इन तीन असबाब की तरफ कहीं तो इशारतन और कहीं सराहतन कुरान ने इसको बयान किया है और अदल इख्तियार करने का हुक्म दिया है। इसी अदल से एक दूसरा लफ्ज बनता है, एतदाल, मियाना रवि, औसत, दरमियानी चाल आप जिसे कह सकते हैं, कि किसी काम में इंसान एतदाल को इख्तियार करे तो अगर वो एतदाल को इख्तियार करता है तो गोया अदल को कायम करता है, इंसाफ को कायम करता है। तर्क अदल नहीं होता, किसी पर जुल्म नहीं होता, किसी की बेजा तरफदारी नहीं होती और किसी दुश्मन के साथ दुश्मनी का बेजा इस्तेमाल नहीं होता। कुरान करीम ने अदल को कितना माना दिया है, कितनी अहमियत दी है, इसका अंदाजा इससे होता है कि बहुत सारे मौके आते हैं कि जहां से अदल को तर्क करने के नतीजे में इंसानों पर जुल्म होता है,
शहादत किसी वाकये को अपने सर की आंखों से देखना और समझना, जिसको हम मुशाहिदा कहते हैं। वाकये का मुशाहिदा करने के बाद जाहिर है कि दो इंसान हैं, एक उसमें जालिम है दूसरा मजलूम है, या एक की ज्यादती ज्यादा है दूसरे की ज्यादती कम है, ज्यादती दोनों ने की है, या ऐसा है कि एक ने ज्यादती की है और दूसरा बिल्कुलिया मजलूम है। कुरान ने अपने मानने वालों को इस बात का हुक्म दिया है और बहुत ताकीदन हुक्म है, वला तक्तुम शहादा, लोगों शहादत को छुपाओ मत। अगर तुमने शहादत को छुपा दिया, तुमने उसका एतराफ करने से खामोशी अख्तियार की, तो एक इंसान जालिम बन जाएगा और दूसरा मजलूम रह जाएगा। सवाल यह है कि आज के दौर में जब हम देखते हैं कि एक इंसान के ऊपर जुल्म हो रहा है, एक जालिम है दूसरा मजलूम है, हम जालिम के जुल्म से वाकिफ हैं, मजलूम की मजलूमियत को हम जानते हैं, हम कातिल, मैंने कातिल को सर की आंखों से देखा है, हम कातिल के नाम से वाकिफ हैं, उसके आले कत्ल से वाकिफ हैं, उसके जुल्म से हम वाकिफ हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन हम शहादत को छुपा देते हैं। वो मजलूम कहता है कि भाई मेरे हक में तुम अदालत में शहादत दे दो, तुमने इस वाकये को बचश्मे खुद देखा है, तुम्हारी शहादत की बुनियाद पर अदल कायम होगा, हमें इंसाफ मिलेगा, जालिम को जुल्म की सजा मिलेगी, मजलूम की फरियाद रसी होगी। लेकिन वो शाहिद जिसने मुशाहिदा किया है वो कहता है कि भाई मेरे पास वक्त नहीं है, आज के हालात ऐसे हैं कि इंसान एक चीज का मुशाहिदा करने के बाद खामोश हो जाता है, आंखें बंद कर लेता है, नहीं मैंने कुछ देखा ही नहीं है। क्यों? वो मजबूर है, वो इसलिए कि अदालतों के कवानीन कुछ ऐसे हैं कि ये गुनाह बेलज्जत में मुब्तला हो जाता। गुनाह किया किसी और ने, इसने मुशाहिदा किया, अब अदालतों में इसको इतने चक्कर लगाने पड़ते इस गरीब को कि इसकी चप्पलें घिस जाती हैं, इसकी तिजारत खराब होती, इसकी मुलाजमत मुतासिर होती, इसकी ज़राअत खराब होती, इसके अपने निजी काम खराब होते, और उसके बाद जिसके खिलाफ ये शहादत जाएगी उसकी धमकियां, उसका डर और खौफ एक शाहिद को शहादत देने से रोक देता है। कुरान ये कहता है कि मोमिनो वला तक्तुम शहादा, तुम शहादत को मत छुपाओ, अगर तुम शहादत को छुपाओगे तो अदल कायम नहीं होगा, मजलूम की फरियाद रसी नहीं होगी, जालिम अपने जुल्म पर जरी हो जाएगा। और जब एक मर्तबा ये दरवाजा खुला तो फिर इस दरवाजे को बंद करने की ताकत उम्मत में नहीं होगी। लेकिन उसके साथ ये भी मसाइल हैं जो आज के दौर में हैं कि गवाहों के साथ क्या परेशानियां लायक होती हैं। कुरान ने उसका भी उसूल बयान कर दिया, ला युदार कातिबू वला शहीद, कि जो वाकयात को कलम बंद करने वाला है, अपने खत में लिखने वाला है, उसको बिला वजह अजियत न पहुंचाई जाए, गैर जरूरी उसको न दौड़ाया जाए, कोई ऐसा अमल उसके साथ न किया जाए कि जिसके नतीजे में उसका जरर हो, उसको नुकसान हो,
और इसी तरह गवाह को भी अजियत न पहुंचाई जाए। इसलिए कि गवाह को अजियत अगर पहुंचाई गई तो फिर आज एक गवाह के साथ अगर अजियत पहुंचाने का मामला होगा तो कल दूसरा इंसान गवाही देने से कतराएगा। मुशाहदा करने के बावजूद वो कहेगा कि हम वाकिफ नहीं हैं। हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ खिलाफत नहीं है, ये एक सेकुलर स्टेट है, इसका कानून कोई मजहबी नहीं है। मुख्तलिफ मजाहिब के लोग हैं, एक मिन जुमला एक कानून बना हुआ है। अंग्रेज कमबख्त चले गए और उन्होंने जो कानून हमको दिया था हम आज तक उसकी पूजा कर रहे हैं, मजबूर हैं। यह भी एक बुतपरस्ती ही है, हम उस बुतपरस्ती को कायम किए हुए, हमारे पास ताकत नहीं है, इसलिए उस बनाए हुए बुत उस बनाए हुए दस्तूर को, जो दस्तूर मुल्क का है उन्होंने तो नहीं बनाया, लेकिन उन्हीं के बनाए हुए दस्तूर के सांचे में इस दस्तूर को ढाल दिया गया जिसकी पूजा होती है। हम मजबूर हैं, हमारी तादाद हमारी कुव्वत इसकी मुतहम्मिल नहीं है कि हम इसकी मुखालिफत करें। जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क में इकबाल ने कहा था जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। ये जंगल के बैलों जैसा कानून है, हर शख्स वोट देता है, एक डॉक्टर एक दानिश्वर उसके वोट की भी वही कीमत है, और एक नाखादा अनपढ़ जिसे न लिखना आता न पढ़ना आता न शोर नाम की कोई चीज है उसके वोट की भी वही कीमत होती है। गैर मंतकी बहरहाल जमहूरियत है। हम इस मुल्क में वोट देते हैं, हम इस मुल्क में यूनिवर्सिटियों और स्कूलों में हमारे बच्चे इम्तिहानात देते हैं, इस मुल्क में मुलाजमतें होती हैं, उसमें जो बरसरेकार लोग होते हैं उनकी सिफारिशें भी होती हैं। हम ये समझने की कोशिश करें कि शरीयत ने अदल का जो मुतालबा किया है, ये मुतालबा हमारी जिंदगी के जाती और मजहबी किन किन खानों में फिट आता है, कहां कहां हम उसके तर्क पर गोया अमल पैरा है। मिसाल के तौर पर हम वोट देते हैं, वोट देने का क्या मतलब है? कई पहलू हो सकते हैं सोचने के। मैं बहैसियत आलिम बहैसियत इस्लाम का तालिब इल्म होने के एतबार से मैं तो यही सोचता हूं कि ये वोट देना उसके तीन चार पहलू हो सकते हैं। दानिश्वरान बैठे हुए हैं इसलिए मैं उन पहलुओं पर गुफ्तगू नहीं करूंगा। मेरी अपनी सोच यह होती है कि अगर हम किसी शख्स को वोट देते हैं तो गोया हम इस बात की शहादत देते हैं हुकूमत के सामने कि ये शख्स इस बात का हकदार है कि इसको असेंबली की पार्लियामेंट की ऐवान बाला की ऐवान जेरी की इसको मेंबरशिप अता कर दी जाए, यह इस लायक है। जबकि हम जानते हैं कि वो हमारे इलाके का सबसे बड़ा खाइन सबसे बड़ा सारिक सबसे बड़ा जानी सबसे बड़ा गासिब सबसे बड़ा डाकू है, लेकिन इसके बावजूद हम उसको वोट देते हैं, बहैसियत मुसलमान वोट देते हैं और ये कहकर खुश हो जाते हैं कि हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, मेरे पास आईडी कार्ड है, हम इसकी शहादत देते हैं कि यह अच्छा आदमी है। इस्लाम क्या कहता है? आपने ये शहादत देकर ये वोट देकर गोया इस बात की शहादत दी है कि यह इंसान काबिले एतबार है।
ये इस ओहदे का मुस्तहिक है, जबकि हम जानते हैं कि ये उस ओहदे का मुस्तहिक कतान नहीं है। एक पहलू वोट के देने का ये भी है, और भी पहलू है। हमारे बच्चे इम्तहानात देते हैं, हमारे पास इम्तहानात के पर्चे आते हैं, हमारे मुतालिकीन के पास पर्चे आते हैं। हमारा कोई मुतालिक है, उसका बच्चा, उसका अजीज हकीकतन कमज़ोर है पढ़ने में, या किसी मजबूरी की बुनियाद पर वो इम्तहान की तैयारी नहीं कर सका। अब वो हमारा मुतालिक हमारे पास आता है, भाई साहब, चचा जान, दादा जान, अजीजो, कराबतदारी के जितने शोबे हो सकते हैं उन शोबों का हवाला देकर वो आपसे भीख मांगता है। ये मुस्तहिक तो नहीं है कि इसको पास मार्क्स दिया जाए, लेकिन आप इसको पास मार्क्स दे दीजिए। बात कड़वी है, लेकिन इस पर अमल पैरा हमारी कौम के लोग हैं। दूसरी कौम के लोग हैं वो मुकल्लफ नहीं, वो हमारे मुखातिब नहीं है, इसलिए कि कुरान ने अपने अहकाम का मुखातब उनको नहीं बनाया, वो उसके मुकल्लफ नहीं। लेकिन जो कुरान को मानते हैं वो इसके मुकल्लफ हैं। इनसे मुआखजा होगा कि तुमने शहादत का गलत पैमाना क्यों कायम किया। शहादत का पैमाना वो है जो कुरान ने मुतायन किया। आपने अदल के दरवाजे को बंद कर दिया। अब वो इंसान, वो तालिब इल्म जो सिफर मार्क्स का मुस्तहिक था, आपने उसको 50 मार्क्स दे दिए, पास हो गया, अगली जमात में तरक्की हो गई, उसके हाथ में डिग्री आई, उस डिग्री और सनद की बुनियाद पर उसको कोई मुलाजमत मिल गई, जबकि वो इसका मुस्तहिक नहीं था। अब वो गैर मुस्तहिक इंसान उस ओहदे पर बैठकर, उस कुर्सी पर बैठकर जितने गलत काम करेगा, जितने गलत फैसले करेगा, उसका गुनाह तो उसको होगा ही। उस कुर्सी पर बिठाने में मोइन और मददगार जो लोग हुए वो भी उस गुनाह में बराबर के शरीक हैं, उसके गुनाह में किसी कमी के बगैर। ये हदीस की सराहत है। एक तीसरा मरहला आता है कि हमारे यहां बहुत सारे लोग हैं जो मुलाजमत के जरूरतमंद हैं, मुलाजमतें जगह कम होती है, उम्मीदवार ज्यादा होते हैं, अकबर आबादी ने कहा था, कालिस से सदा आ रही है पास पास की, ओहदों से सदा आ रही है दूर दूर की, आओ कॉलेज में पढ़ो, असनाद हासिल करो, ओहदे बहुत कम हैं, एक अनार 100 बीमार। अब हम किसी ओहदे पर हैं, हमारा कोई रिश्तेदार, कोई अजीज, कोई कराबदार, वो हमसे आता है, कहता है सिफारिश कर दीजिए, इस महकमे में एक जगह खाली है, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, आप ऊंचे ओहदे पर हैं, आपकी सिफारिश फला वजीर तक है, वहां तक रिसाई है, आप एक सतर, एक जुमला आप कह दीजिए, मुलाजमत मिल जाएगी। अगर वाकई वो इसका मुस्तहिक है और आपने उसके हक में सिफारिश कर दी, तो आपने एक खैर का काम किया। अब वो जितने अच्छे काम करेगा उस ओहदे पर बैठकर, चूंकि वो उसका मुस्तहिक था, तो उन तमाम अच्छे कामों का सिला आपको भी मिलेगा। कुरान ने कहा है, मन यशफा शफातन हसनतन यकुन लहू नसीब मिन्हा, जिस शख्स ने कोई अच्छी सिफारिश की हो तो सिफारिश करने वाले को
उस अच्छाई के का सवाब मिलेगा जो अच्छाई कर रहा है। अद्दाल अलल खैर कफाइली। लेकिन कुरान ने उसी के साथ एक और लफ्ज इस्तेमाल किया है, मन यशफा शफातन सैयतन यकुन लहू किफलुम मिन्हा, कि जो शख्स बुरी सिफारिश करेगा तो उस सिफारिश की बुनियाद पर जो ओहदा, जो मुलाजमत जो उसे हासिल होगा, क्योंकि वो उसकी उसका मुस्तहिक नहीं है, वो बुरी सिफारिश इसीलिए है कि वो उसका मुस्तहिक नहीं है, आपकी सिफारिश की बुनियाद पर आपने उसको वहां तक पहुंचा दिया है। अब जब वो बुरी सिफारिश है, अब वो गलत काम करेगा तो उसको तो गुनाह होगा ही, साथ साथ उस मकाम तक पहुंचाने वाले जो लोग होंगे उनका मामला भी वैसे ही होगा, उनको भी गुनाह में शिरकत ना चाहते हुए भी करनी पड़ेगी। बुखारी शरीफ में एक रिवायत आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत की निशानी क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैर अहलिही फंतज़िरिस सा, जब जिम्मेदारियां, ओहदे, मनासिब ना अहलों के सुपुर्द कर दी जाएं तो कयामत का इंतजार करो। अब जाहिर है कि ना अहलों के सुपुर्द जिम्मेदारियां की जाती हैं, जो अहल होता है जिम्मेदारी उसको अपने पास बुलाती है, और अगर कोई उस ओहदे तक पहुंचता है वास्तों के जरिए, रिश्वतों के जरिए, इसका मतलब है कि ये ना अहल है, ये अहल नहीं है। अगर अहल होता ओहदा उसके पास चलकर आता। अल्लाह के रसूल ने कहा, इदा वुस्सिदल अम्रु इला गैरी अहलिही फंतज़िरिस्सा, तो कयामत का इंतजार करो कि जब ऐसा होने लगेगा, जाहिर है कि जब ऐसा होगा तो अदल खत्म हो जाएगा, इसलिए कि जो मुस्तहिक है, हकदार है, उसे वो जगह नहीं मिलेगी, जगह उसको मिलेगी जो उसका हकदार नहीं है। अदल खत्म हो गया, उसको लपेट कर रख दिया गया, जुल्म हो गया। अदल का एक सीधा सा खाका यह है जो मैंने आपके सामने बयान किया। अब मैं इसके एक दूसरे पहलू पर आता हूं। हम सब लोग, अल्लाह का करम है, अल्लाह की मेहरबानी, उसका एहसान कि हम उम्मते मुहम्मदिया का हिस्सा है। कभी इस पर गौर करना चाहिए हमें कि कुरान ने जो अदल का हुक्म दिया है, इसी अदल से एतदाल भी बना है, और एतदाल को कायम करने का मतलब है अदल को कायम करना। ये बात बहुत मोटी सी है कि कोई चीज, अल्लाह की कोई भी नेमत, खां वो कितनी ही मुफीद क्यों ना हो, कितनी ही मुफीद क्यों ना हो, मसलन ये हवा चल रही है, ये हमारे लिए राहत का सामान है, लेकिन यही हवा अगर अपनी रफ्तार इतनी तेज कर दे कि हमारे लिए, आपके लिए यहां बैठना मुमकिन ना हो, इमारतों की छतें उड़ जाएं, रास्तों पर गाड़ियों का चलना मुमकिन बाकी ना रहे, दरख्त अपनी जड़ों से उखड़ जाए, ये हवा तो जिंदगी की अलामत थी। लेकिन यही हवा हमारे लिए मौत का सामान बन गई।
पानी जिंदगी की बुनियाद है, लेकिन यही पानी मकदार में इतनी ज्यादा हो जाए कि हमारे ऊपर भी पानी, नीचे भी पानी, दाएं भी पानी, बाएं भी पानी, दाएं बाएं चार समत पानी हो, हम जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। शरीयत में हम जिन बातों के मुकल्लफ बनाए गए हैं उसमें से एक इबादत भी है, और इबादत जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब सिर्फ नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, बल्कि शरीयत के तमाम अवामिर, ये गोया इबादत हैं, उसको बजा लाना इबादत है। अगर हम शरीयत के इस उसूल को, शरीयत के इस मिजाज को कि शरीयत में अदल और एतदाल ये दोनों मतलूब है, तो हमारे बहुत सारे काम जो जाने अनजाने में खराब हो जाते हैं, जिन मकासिद को हम हासिल करना चाहते हैं वो मकासिद हासिल नहीं होते, वो इस वजह से नहीं होते कि हम अदल और एतदाल के मफहूम से कमा हक़ वाकिफ नहीं होते। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, एक मिसाल बच्चों को दिया करता हूँ कि देखो अल्लाह ताला ने सूरज को पैदा किया है, ज़मीन को भी पैदा किया है, सूरज से हमें फ़ायदा पहुँचता है, हरारत मिलती है, रोशनी मिलती है, ज़मीन पर नबातात हैं, जमादात हैं, चौपाए हैं, हम इंसान हैं, ज़मीन इतनी ठोस है, इतनी तेज़ हरकत करती है, इसके बावजूद हम जिंदा हैं। कभी गौर करते हो कि अल्लाह ताला की ये कितनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को जो बाकी रखा है ये कुव्वत सिक्ल पर है, एतदाल किसी को कहते हैं। सूरज और ज़मीन के दरमियान इतना फासला रखा है कि इससे ज़्यादा अगर फासला बढ़े तो यह ज़मीन बर्फीली हो जाएगी, मुंजमिद हो जाएगी, और अगर ज़मीन और सूरज का मौजूदा फासला कम हो जाए तो इंसान झुलस जाएगा, दरख्त सूख जाएंगे, पानी ख़त्म हो जाएगा, इंसान बाकी नहीं रहेगा। तो ये जो अल्लाह ताला ने एक एतदाल कायम करके जब से दुनिया बनाई है, इस ज़मीन पर बसने वालों को रोज़ाना हर आन ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी के अंदर एतदाल ज़रूरी है। अगर इस एतदाल को तर्क किया गया, इसको नज़रअंदाज किया गया, तो सुनामी आ सकती है, क़यामत आ सकती है। सूरज अगर अपने महवर को छोड़ दे तो ज़मीन का वजूद मिट जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर हो जाए तो ज़मीन को वो हरारत नहीं मिलेगी, ज़मीन पर इंसान वैसे पैदा होंगे जैसे बिल्लियाँ होती हैं, इंसान का कद इतना छोटा हो जाएगा अगर ज़मीन से सूरज का फासला बढ़ गया, किसी भी साइंसदान से आप पूछ लें। अल्लाह ताला ने ये पूरा निज़ाम कुव्वत सिक्ल पर रखा है, इसी कुव्वत सिक्ल का नतीजा है कि लाखों करोड़ों सियारात हैं फिजा में, निज़ाम शमशी और उसके अलावा जितने निज़ाम हैं, लेकिन कभी उनका आपस में टकराव नहीं होता, हर एक के दरमियान एक फासला है, एक कुव्वत सिक्ल है जिसको एतदाल कहते हैं। इंसानी ज़िंदगी में मजहबी एतबार से, इबादत के एतबार से, मामलात के एतबार से जब बे एतदाली आती है तो इबादत भी ख़राब होती है, समाजी मुआशरा भी ख़राब होता है, ख़ानदानी निज़ाम भी तबाह होता है, लोगों में इत्तेहाद के बजाय इख्तलाफ के दरख्त बढ़ने लगते हैं। यह इसी बुनियाद पर है कि हम इस बात से वाकिफ होने के बावजूद कि अदल भी मतलूब है और एतदाल भी मतलूब है, हर काम में मतलूब है, नमाज में भी, रोज़े में भी, हज में भी, ज़कात में भी, अगर एतदाल से हम गुरेज करें तो खराबियां शुरू। दो तीन मिसालें कुरान ही से आपको दूंगा।
चलना इंसान की जरूरत है। कुरान ने क्या कहा है, चलो, लेकिन मियाना रवि अख्तियार करो, सर उठा के चलो, उछलते हुए न चलो, दूसरों को अजियत न पहुंचाओ। वला तमशी फिल अर्दी मराहा, जमीन में अकड़कर मत चलो। इन्नक लन तुखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते, क्यों अकड़ते हो। चलना एक मामूली सी चीज, लेकिन कुरान यह कहता है कि इसमें भी एतदाल बाकी रखो। इस एतदाल की बका में तुम्हारी भी बका है, दूसरों की भी बका है। अगर तुमने गैर जरूरी रफ्तार पकड़ ली तो दूसरों से टकराओगे, उनका नुकसान होगा, खुद तुम्हारे घुटने टूटेंगे, पांव टूटेगा, बेवक्त गिरोगे, क्या होगा नहीं मालूम। आप सब दानिश्वर हैं, आप जानते हैं कि हमारे रास्तों पर जो हादसात होते हैं 99% बेएतदाली के नतीजे में होते हैं। गैर जरूरी गाड़ियों की रफ्तार बढ़ा दी जाती है, दूसरों की रियायत नहीं की जाती, नतीजा होता है कि अपनी जान से भी जाते हैं, दूसरे की जान भी ले लेते। एक मामूली मिसाल है। लिबास इंसान की जरूरत है। कुरान ने कहा है कि ये लिबास क्यों है, लिबास का दो मंशा है। या बनी आदम कद अनज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, ऐ बनी आदम हमने तुम्हारे ऊपर लिबास को नाजिल किया है। इसका मकसद दो है। लिबास का एक मकसद है युवारी सौआतिकुम, जो तुम्हारे छुपाने की जगहों को यानी शर्मगाहों को छुपाए। और दूसरा मकसद यह है कि यह लिबास तुम्हारे लिए रीश बने, जीनत का जरिया बने। कुरान ने बहुत मोहतात लफ्ज इस्तेमाल किया है, जीनत यहां नहीं कहा है, रीश कहा है। रीश अरबी जबान में कहते हैं असल में परिंदों के परों को। ये परिंदों के पर जो होते हैं ये उनके लिए जीनत का सामान भी है, खुशनुमाई का जरिया भी है। और यही पर जो होते हैं बारिश से, धूप से और दूसरे जरर पहुंचाने वाले जराए से उनके जिस्म को महफूज रखते हैं। कुरान ने लिबास को युवारी सौआतिकुम वरीशा कहकर यह बतला दिया कि इसमें अदल इख्तियार करो। तुम लिबास इतने तंग ना हो कि जिस्म के नशेब व फराज नुमाया हो जाएं, लिबास इतने बारीक ना हो कि युवारी सौआतिकुम की रूह ही खत्म हो जाए। ये तो कुरान का हुक्म है, आप एतदाल इख्तियार। कुरान ने कहीं ये नहीं कहा, हदीस में कहीं ये नहीं कहा गया कि आपके कुर्ते की लंबाई कैसी हो, वो कली वाला हो, शर्ट पैंट हो, सीधा हो, कैसा हो। कुरान ने ये नहीं कहा, वो आपकी सवाबदीद पर। सातिर हो, लिबास छुपाने वाला हो, जिस्म के नशेब व फराज को छुपाए, धूप जाड़े गर्मी से आपको बचाए, आपके लिए जीनत भी हो, बेढंगा लिबास ना हो कि लोग देखें और देखने के बाद सब हंसने पर मजबूर हो जाए, मजहका खेज लिबास ना हो। बात बहुत छोटी सी है। चलना इंसान की जरूरत है, लिबास इंसान की जरूरत है। मैं एक हदीस सुनाऊं आपको, तिर्मिजी शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। हजरत, दाढ़ी रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन तिर्मिजी शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत आती है, दाढ़ी रखना है सुन्नत है। रिवायत में यह है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर तमाम सहाबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी सुन्नतों को ढूंढ ढूंढ कर इत्तबा करने वाले सबसे मुमताज सहाबी हैं।
حضرت عبداللہ ابن عمر داڑھی رکھتے تھے، ظاہر داڑھی کے بال ہیں، یہ تو بڑھیں گے جیسے جسم کے دوسرے بال بڑھتے ہیں، موچ کے بال بڑھتے ہیں، داڑھی کے بال بھی بڑھیں گے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر داڑھی کے بال کو دائیں سے بھی اور نیچے سے بھی، چوڑائی میں بھی اور لمبائی میں تھوڑا تراش دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اگر اس کی تراش خراش نہ ہو تو وہ حد اعتدال سے نکل جائے گا۔ اعتدال کہاں کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں بنایا، مزاج شریعت کا مزاج ہے اعتدال۔ ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ماڈرن تہذیب کے عالم بردار لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ان کی گفتگو کبھی اتنی پست آواز میں ہوتی ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے، وہ جیسے شہد کے مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے، تو ویسے ہی کسوت المرجل ویسی آواز ہوتی ہے، یعنی ذرا زور سے بولنے میں ان کو وقار کے خلاف سمجھ میں آتا ہے۔ ایک دوسرا طبقہ ہوتا ہے جو اتنی زور سے بولتا ہے کہ دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے۔ آپ بازاروں میں چلے جائیں، منڈیوں میں چلے جائیں، سبزی منڈی میں چلے جائیں، غیر ضروری شور ہوتا رہتا ہے، چیختے رہتے ہیں لوگ۔ ایک تو یہ ہے کہ ضرورت کی بنیاد پر انسان اپنی آواز کو بلند کرے، یہ بولنا بھی انسان کی ایک ضرورت ہے۔ قرآن نے اس میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے کہ اعتدال کیا ہے۔ قرآن میں کہا گیا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بلند آواز میں سب سے ناپسندیدہ آواز جو ہے وہ گدھے کی ہے، یعنی گفتگو کریں تو اتنی زور زور سے بولے کہ سامنے والے کو اذیت ہونے لگے۔ بولنا ضرورت ہے، اس کو بھی اعتدال پر آپ رکھو، نہ اتنا آہستہ کہ مخاطب آپ کی بات سن نہ سکے، اور نہ اتنی زور سے کہ دوسروں کو اس سے اذیت ہونے لگے۔ یہ معمولی چیزیں ہیں، لیکن قرآن نے اس میں بھی ہمیں اعتدال کا ہی سبق پڑھایا۔ ہم لوگ جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ سے ہی مانگتے ہیں، مانگنا بھی اسی سے ہے، وہی ہماری ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، زندگی انہوں نے دی ہے، ساری نعمتیں انہی کی عطا کردہ ہیں۔ اب اس میں کبھی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، دست بدعا ہوتے ہیں۔ دعا انسان چیخ کر بھی کر سکتا ہے، بآواز پست بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے، بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم مکلف ہیں کہ ہمیں مانگنا ہے۔ کیسے مانگے؟ خوب زور سے؟ بالکل آہستہ؟ نہیں، قرآن نے ادب سکھلا دیا، اعتدال۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو بلاؤ عاجزی انکساری تضرع کے ساتھ، الحاح کے ساتھ، وخفیہ چیخ کر نہیں، بآوازے پست، اللہ سنتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بعض مقامات پر دعا زور زور سے، بہت زیادہ جس کی ضرورت نہیں ہے، چیخ کر دعائیں کی جاتی ہیں۔ اولاً تو دعا کی روح ہی معلوم نہیں ہوتی، دعا یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی چیز ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے۔ دعا مانگی جاتی ہے، دعا پڑھی نہیں جاتی۔ ہمارے اندر بے اعتدالی یہ ہو گئی ہے کہ ہم دعا مانگتے نہیں، دعا پڑھ لیتے، پڑھ لینے کو مانگنا سمجھتے۔
तो दुआ एक इबादत है जिसके बारे में कहा गया दुआ मुखल इबादत। बाज़ हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुआ हियल इबादत, दुआ इबादत ही है, दुआ इबादत का मग़्ज़ है। इतनी बड़ी चीज, इतनी अहम चीज जो इंसान की लाजमी जरूरत है, उसके लिए भी एतदाल ही का सबक पढ़ाया गया। उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, चीखने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग इस बात से भी वाकिफ है कि कुरान में जहां बहुत सारे अहकाम हमको दिए गए हैं, अहले सरवत को अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया है इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो, बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत है। इतनी बड़ी फजीलत के बावजूद इन्फाक के लिए कुरान ने ज़ाबता क्या बताया? कुरान ने कहा देखो इन्फाक है बहुत अच्छी चीज, लेकिन ऐसा भी इन्फाक न हो कि तुम तंग दस्त बन जाओ और दूसरों के मोहताज बन जाओ, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे, और ऐसे भी बखील मत बन जाओ कि तुम्हारे दर से किसी को एक तिनका न मिले। वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुकिया वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतकुद मलूमम महसूरा, ये मत करो, ऐसा हाथ बिल्कुल बंद न कर लो कि तुम्हारे दर से किसी को एक तिनका न मिले, खैर के दरवाजे ही बंद हो जाए, और इतने भी फराख चश्म मत हो जाओ कि लोग तुम्हारे तिनके के मोहताज हो जाओ और लोग तुम्हारे ऊपर हसरत करें, अफसोस करें। कितना बेवकूफ है, कितनी बड़ी चीज है इन्फाक, लेकिन उसके आदाब हैं, उसमें भी एतदाल बाकी रखना है। अगर एतदाल को हम छोड़ देते हैं तो कुरान के इस हुक्म पर अमल नहीं होगा। अभी 5 मिनट वक्त है या खत्म कर दूं? 5 मिनट। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला पहुंची कि ये लोग रात भर नमाजें पढ़ते हैं, हमेशा रोजे रखते हैं। अल्लाह के रसूल बहुत बरहम हुए, बुलाया नौजवानों को और फरमाया कि ये तुम क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल आपके तो गफिर लहु मा तकद्दमा मिन ज़म्मिकुम मा तअख्खर, आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ हो गए हैं, उसके बावजूद आप तहज्जुद पढ़ते हैं, फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ते हैं, सुनन पढ़ते हैं, इतना खैर खैरात करते हैं, हम लोगों के तो गुनाहों के माफ़ी की ज़मानत भी नहीं है, इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, ये एतदाल नहीं है, एतदाल कायम करो, कुछ हिस्सा इबादत करो, कुछ हिस्सा सो, कुछ हिस्सा बीवी और बच्चों के हकूक़ के अदा करने में सर्फ करो, एक दिन रोज़ा रखो, एक दिन इफ्तार करो। ये एतदाल के खिलाफ है कि आप करने लगे तो उसी को करने लगे, छोटा काम करें हमेशा करें। अल्लाह के रसूल ने इबादत में भी एतदाल को कायम करने की जरूरत पेश की, उम्मत को यह समझाया कि यहां भी एतदाल जरूरी है। हमारे यहां बेएतदाली जो होती है कभी कभी वो मुखालिफीन से होती है, हम जिसके अकीदतमंद होते उसकी कोई बुराई हमें नज़र नहीं आती और उसकी छोटी सी खूबी पहाड़ मालूम होती है। ये अकीदत का बुत हमें ये जुर्म करने पर मजबूर करता है। एतदाल की राह को हम छोड़ते हैं और अगर किसी से इख्तिलाफ है, 1000 खूबियां हैं, एक खामी है, हम उसी की नुमाइश करते हैं, उसी का ऐलान करते हैं, एतदाल को छोड़ दिया हमने। आखिरी चीज जो हमें कहनी है और अपनी बात खत्म करनी है कि बड़े अफसोस की बात है कि जो उम्मत अदल
और एतदाल की न सिर्फ अमीन और अमानतदार थी उस कौम में, उस मिल्लत में अदल और एतदाल का इतना फुकदान है कि यह कहना पड़ता है कि बज़ाहिर इस उम्मत से यह मफकूद हो चुका है। दूसरों के यहां तो थोड़ी अमानत थोड़ी दयानत मिल जाती है, लेकिन अपनों के यहां अगर न मिले तो बहुत तकलीफ होती है। दूसरा अगर गाली दे मारे तो उतनी अजियत नहीं होती, लेकिन बेटे को अगर बाप को अगर बेटा बुरा भला कहे और बदतमीजी करे तो बाप को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अगर दूसरे लोग गलत करते हैं तो उससे उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन उम्मत मरहुमा के अफराद अगर इस तरह की गलतियों के मुर्तकिब हों कि वो एतदाल की राह को छोड़ दें, अदल का खून उनके हाथों अगर होने लगे तो फिर ऐसी सूरत में इस उम्मत का क्या होगा। जो उम्मत इसकी अमीन रही है, इसकी मुबल्लिग रही है, शरीयत का मिजाज उमूमी मिजाज एतदाल का रहा है, वो इबादत हो, वो मामलात हो, वो सफारिश हो, वो चलना हो, वो खाना हो, वो पीना हो, वो इन्फाक हो, कहीं भी हो, शरीयत अदल का हुक्म देती है, एतदाल ही की तालीम है। हम इसके खिलाफ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अदल और एतदाल को कायम करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कि हमारे मुखलिस साहिबीन कितनी तैयारी से आते हैं, हमारी भी एक मजबूरी है। जो आज के मुखलिस साहब ने आपको उसका इशारा दिया कि क्या है, 5 मिनट है या नहीं है, क्योंकि होता यह है कि अगर 10 मिनट पहले ना ख़त्म करें तो बाज़ हज़रात वजू करना चाहते हैं, बाज़ बात घर के रास्ते के ऊपर मस्जिदों में पढ़ना चाहते हैं। और एक बात यह है कि अगर वक्त का ख्याल करते, बाद लोगों ने कहा मगरिब के बाद रखिए, तो जाहिर है सुबह के निकले हुए लोग अगर मगरिब के बाद यहाँ बैठे तो आपने जैसे फरमाया वो एतदाल नहीं रहेगा, बीवी बच्चों के पास जवाबदेह हो जाएंगे, हो कि 8 बजे 9 बजे घर पहुँचे। तो इस तरह से हमारी भी मजबूरियात हैं और वो कोई बात नहीं है। अब तो वक्त था जो आपने पूछा, वैसी कोई बात नहीं है। बहरहाल हमारी मजबूरी का मैं इजहार कर देना चाह रहा था, वरना ऐसे खिताब होते हैं कि तबीयत चाहती है कि वो कहते चले जाएँ और हम सुनते चले जाएँ, क्योंकि उसमें इल्म और फन के ख़जाने होते हैं और हमें 24 घंटे में वो ऐसा वक्त ही नहीं मिलता कि कुछ मुतालिया करें। खैर, आप हजरात तिलावत तो कर ही लेते होंगे, तर्जुमे पढ़ लेते होंगे, लेकिन आम मालूमात के लिए जो किताबें होती हैं, जो रसायल होती हैं, आप देखिए ऊपर कितने अंबार लगे हैं। कई हजरात अपने घरों से किताबें लाते हैं और वहाँ रख देते हैं टेबल पर और ये समझते हैं कि लोग इससे इस्तेफादा करेंगे। हमें अफसोस होता है कि वो किताबें जो है खुलती भी नहीं, कई किताबें ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल ही नहीं होता। और आप रजिस्टर जाके देखिए कि रजिस्टर में कितने खारीन की तादाद है और किताबों की तादाद क्या है। ये भी अफसोस होता है कि बाद हजरात पढ़ते तो हैं लेकिन रजिस्टर में दर्ज नहीं करते। रजिस्टर में अगर आप दर्ज करें तो होता यह है कि जो लोग किताब ला कर रखते हैं उनकी हिम्मत अफजाई होती है कि भाई वो ला के घर रखने से कोई इस्तेफादा किए। मैं ये नहीं कहता कि मैं मुस्तस्ना हूँ, मुमकिन हो मेरे से भी ये गलती सरजद होती हो, लेकिन इसके सबक अगर लें तो वही गुस्से में भी अगर आएँ तो आप एतदाल से बात करें, ये मुनासिब है। अब इतना सब कहने के बाद मैं एतदाल पर मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा। और अगले चारशंबे की जो गली परसों की जो निशिस्त है, रूह रजी आदम का इस्तकबाल करती है, अल्लामा इकबाल के एक नज़म का उनवान है और गैर मामूली अहम उनवान है। आप खुद अंदाजा लगाएंगे इससे इस्तेफादा करके। मेरी कोशिश